बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, क्या क्राइटेरिया होगा और कितने बच्चे इससे मुस्तफीद होंगे, इसी हवाले से बात करेंगे। और बेसिकली होमब्रिज इटसेल्फ क्या काम करता है इस पे भी हम बात करेंगे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं होमब्रिज के, सज्जाद लगारी साहब, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे आप, खैरियत? गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो हम चाहेंगे हमारे देखने वालों को आप होमब्रिज का एक इंट्रोडक्शन दें कि ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्या, हाउ डज इट ऑपरेट और किस तरह से आप लोग वर्किंग करते हैं। जी, सो होमब्रिज वॉज लॉन्च्ड अबाउट एक साल पहले, एंड दिस इज पाकिस्तान्स फर्स्ट सर्टिफाइड लाइव ऑनलाइन ए लेवल प्रोग्राम। तो वी डिलीवर क्लासेस फॉर 12 सब्जेक्ट्स डेली, सो इट्स लाइक अ रेगुलर फिजिकल स्कूल, ठीक है, बट द डिलीवरी इज ऑनलाइन एंड देर इज अ हाइब्रिड फिजिकल कॉम्पोनेंट एज वेल। ओके, तो इसमें सुबह 9 बजे से आफ्टरनून 3:30 तक क्लासेस हो रही होती हैं लाइक अ रेगुलर स्कूल। ए लेवल्स में जो तलबा हैं वो 3 सब्जेक्ट्स लेते हैं डिपेंडिंग ऑन किस स्पेशलाइजेशन की तरफ वो जा रहे हैं। ट्वाइस और हर क्लास में इंटरेक्शन उसी तरह होता है जिस तरह एक लाइव क्लास में होता है, क्वेश्चन एंड आंसर्स हो रहे हैं डेली, क्विजेज, असाइनमेंट्स, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, अटेंडेंस मार्क हो रही है, एवरीथिंग इज़ बीइंग मॉनिटर्ड कंट्रोल्ड प्रोफेशनली। जो डिसिप्लिन एक स्कूल में एक स्ट्रक्चर डिसिप्लिन चाहिए होता है वो सारा कुछ मेंटेन किया जाता है। ओके, एंड देन ट्वाइस अ मंथ, महीने में 2 दफ़ा बच्चे जा सकते हैं टू द बीकन हाउस स्कूल विच इज़ द क्लोजेस्ट उनके एरिया में। ओके, और वहाँ वो जाके अगर साइंस स्टूडेंट्स हैं तो अपने लैब्स कर सकते हैं, एंड ऑल स्टूडेंट्स कैन डू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। ठीक है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि इसमें जो आपने क्वालिटी एश्योरेंस की बात की है, इसको कैसे एश्योर कर रहे हैं आप, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने सेट किए हैं? आपने कहा कि एवरीथिंग इज़ बीइंग मॉनिटर्ड, यस, बट इवन देन इफ समबडी वांट्स टू जस्ट कि मुझे पता चले कि कैसे हो रहा है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, तो हाउ वुड आई नो? जी, सो एवरी क्लास में स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप देयर कैमरा ऑन एंड द टीचर्स डिलीवरिंग जस्ट मेक श्योर कि स्टूडेंट्स के कैमराज ऑन है एंड द होल क्लास इज़ बीइंग रिकॉर्डेड एज वेल। जो इंटरेक्शन हो रही है, डिलीवरी हो रही है, एवरीथिंग इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एन LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। सो इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट जिसमें एवरी स्टूडेंट हैज़ ए लॉग इन, ए पोर्टल, और उस पोर्टल पे वो क्लासेस भी अटेंड कर रही हैं। Okay. हर चीज़ मार्क भी हो रही है, अटेंडेंस भी मार्क हो रही है। प्लस वी हैव सम एडिशनल रिसोर्सेज ऑन दिस पोर्टल, लाइक वी हैव 2,500 वीडियोस। ओके, ये जो 12 सब्जेक्ट्स हैं, अबाउट 200 प्लस वीडियोस हर सब्जेक्ट के। ओके, सो 2,500 वीडियोस जो मास्टर टीचर्स के, ए लेवल्स के, कैम्ब्रिज के बेस्ट टीचर्स हैं उनके हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं। वाओ, एंड दिस वाज डन अबाउट अ ईयर अगो, और ये हमारे पोर्टल पे मौजूद है। सही। सो स्टूडेंट्स अगर लेट से कोई क्लास मिस भी हो जाती है तो वो चीजें उनको अवेलेबल है, वो चीजें भी अवेलेबल है, प्लस जो उस दिन की रिकॉर्डिंग है वो भी उनको अवेलेबल है। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस कोलैबोरेशन के हवाले से हम जरूर जानना चाहेंगे, ए लेवल्स के बच्चों को मुफ्त तालीम देना, स्कॉलरशिप देना, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव डेफिनेटली। अख़ुद के साथ आपकी कोलैबोरेशन हुई है, थोड़ा सा इसका पर्पस बताइएगा, ये कोलैबोरेशन है कैसे और किस तरह से आप लोग स्कॉलरशिप्स देंगे? जी, सो हमारा जो रेगुलर पेड प्रोग्राम है इट्स अबाउट 13,000 से 14,000 महाना, विच इज़ ऑल्सो मच लोअर देन अ रेगुलर फिजिकल ए लेवल प्रोग्राम। ठीक है, जो वेरी करता है, जो अच्छे स्कूल्स हैं फ्रॉम अबाउट 45,000 ऑल द वे टू अबाउट 70,000 अ मंथ। ठीक है, सो हमारा अबाउट 13,000-14,000 में हम ऑफर करते हैं रेगुलर monthly. ठीक है, एंड दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग। ओके, दिस इंक्लूड्स देयर ऑनलाइन डिलीवरी, द रिसोर्सेज, द फिजिकल कंपोनेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर के कुछ अवार्ड्स भी हैं, देयर इज अ ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड, वो भी है। सो ए थ्रू जी एवरीथिंग इज कवर्ड। हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टूडेंट काउंसलिंग, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स, उनकी सपोर्ट, सो लाइक अ रेगुलर स्कूल, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट अमाउंट। ओके, अच्छा, बट अखुवत के साथ हमने अब मिल के, सो वी आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड अखुवत इज़ ऑल्सो फंडिंग, सो हम मिल के पाकिस्तान के बच्चों के लिए 200 स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए हमने। ओके, सो इसके तहत पूरे 2 साल के लिए कम्प्लीटली फ्री स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को अवेल कर सकेंगे। एंड आइडिया ये है कि जो डिज़र्विंग नीडी फैमिली से बच्चे हैं, जो ब्राइट हैं, वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सकें। ठीक है, तो इसमें बस इनकम का एक क्राइटेरिया है कि जो घर की आमदनी है महीने की
वो 2 लाख से ज़्यादा ना हो ओके पर मंथ, एक ये क्राइटेरिया है, और जितना लोअर हो ऑब्वियसली वी वांट के उतने बच्चे मुस्तहक लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी पहुँचे. जहाँ तक एकेडमिक क्राइटेरिया का है, वी ऑफर ऑल द वे फ्रॉम एटलीस्ट 80% मार्क्स इन मैट्रिक या क्लास 9, ठीक है, ऑल द वे अप टू मतलब 100%. ओके, बट इट डिपेंड्स ऑन, देर इज एन इंटरव्यू एट द एंड जो हमारे एकेडमिक हेड करते हैं विद द चाइल्ड, एंड फिर चाइल्ड टू चाइल्ड दिस कैन वेरी, सो डिस्क्रिशन फिर हमारे एकेडमिक हेड. तो सजाद, वाय अखुवत आपका जो कोलेब्रेशन हुआ, वाई यू ऑप्टेड अखुवत फॉर दैट, बिकॉज वी नो अखुवत बहुत अच्छा काम कर रही है. अभी कुछ दिन पहले ही हमने बल्कि डॉक्टर साहब का इंटरव्यू भी किया, मैन ऑफ द डेकेड का अवार्ड उनको मिला इससे पहले नोबेल प्राइज के लिए. तो अखुवत इज डूइंग ग्रेट एक्चुअली. आपने अखुवत को क्यों ऑप्ट किया, अखुवत ने आपको कोलेब्रेशन, हाउ इट हैपेंड? जी, सो अखुवत के साथ लास्ट ईयर भी हमारी कोई डिस्कशन हुई थी, बट बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स हम वो कोऑपरेशन मटीरियलाइज नहीं कर सके. So, इस साल वी वर बेटर प्रिपेयर्ड एंड हुवत, एज यू राइटली सेड, इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब. ठीक है. इट्स पर्हैप्स द लार्जेस्ट सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान एंड द रीजन. मिलियंस ऑफ पीपल आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द माइक्रो फाइनेंस इंटरेस्ट फ्री लोन्स दैट आर बीइंग ऑफर्ड, एंड मिलियंस ऑफ फैमिलीज आर गेटिंग अपलिफ्टेड. एंड एजुकेशन में भी अखुवत लास्ट फ्यू ईयर्स दे हैव एंटर्ड इनटू द एजुकेशन सेक्टर एज वेल. दे हैव देयर ओन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज एज वेल. दे हैव टेकन ओवर सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस स्कूल्स जिनको वो अपग्रेड कर रहे हैं एंड उनको रन भी कर रहे हैं. सो दे हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड्स ऑफ द आप कह लें कि जो लोअर इनकम सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, फैमिलीज हैं, उनकी नीड्स को भी वो समझते हैं और एजुकेशन को भी समझते हैं. ठीक. So it was a natural fit for us to. So this purpose can be rightly served. जी बिल्कुल. अच्छा सजाद साहब, दूसरी जानब ख़वातीन के लिए भी ऑब्वियसली ये बहुत सारी ऐसी मुस्तहक, जिस तरह फैमिलीज़ की बात करें उसमें बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो इस प्रोग्राम का पार्ट बनेंगी और डेफिनेटली एम्पावर भी होंगी. सो इसके पीछे आप लोगों ने कोई ख़वातीन को लेकर, लड़कियों को देकर कोई स्पेसिफिक पर्पज़ को रखा है या कोई ऐसी चीज़ या क्राइटेरिया माइंड में कि इससे ख़वातीन को भी बहुत इंकरेजमेंट मिले? जी ऑब्वियसली वी विल इनक्रेज ख़वातीन, और जो भी हमें एप्लीकेशन आएंगे उसमें वी विल हैव, वी विल गिव दम अ गुड शेयर विच वुड बी विद द ऑब्जेक्टिव कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इस प्रोग्राम में आए. बिकॉज कई फैमिलीज़ में कंस्ट्रेंट्स होते हैं इन गोइंग टू स्कूल्स, इन गोइंग टू कॉलेज फॉर वेरियस रीजन्स, मे बी द कंजर्वेटिव, मे बी कोई और रीजन्स हों, सोशल मोबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ऑल दीज थिंग्स. तो इनको मद्देनज़र रखते हुए हम ख़वातीन को स्पेशली इनक्रेज करेंगे. इसके साथ साथ मैं एक और भी तबके का मेंशन कर दूं जो हमारे दूर दराज इलाकों में स्टूडेंट्स हैं और फैमिलीज़ हैं. सो इस प्रोग्राम से वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं. सो फार फ्लंग एरिया में कोई बैठा है बट वहाँ ए लेवल्स की फैसिलिटी नहीं है या कोई अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं है, तो वो ये हाइब्रिड मॉडल यूज़ कर सकते हैं. ठीक, बिल्कुल ठीक. और हम उनको पूरा फैसिलिटेट करते हैं इस रिगार्ड. ठीक है. और वो आपको ऑनलाइन अप्रोच कर सकते हैं? जी बिल्कुल. आपकी वेबसाइट के थ्रू? जी जी, हमारी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, हमारे कॉल सेंटर के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं. ठीक है. वी हैव द लास्ट मिनट, कोई पॉइंट ऐसा जो हम ना डिस्कस कर पाए हो, आप चाहें कि क्लियर हो जाए देखने वालों को, एनी थिंग दैट यू लाइक टू एड इन द एंड रिगार्डिंग दिस? जी जी, सो आई थिंक सो ए लेवल्स का जिन लोगों को ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, सो इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी, आपको मिलती है कि आप ए लेवल्स करके दुनिया के किसी भी खत्ते में जा सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में. ठीक है. स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती हैं, फाइनेंशियल एड मिल जाती हैं, एंड साथ ही साथ आप जो हमारी लोकल बहुत अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भी जा सकते हैं. ओके. सो पहले एक इक्विवेलेंसी का इशू था, अब वो नहीं है इशू. ओके. इट्स वेरी नेग्लिजिबल नाउ. एंड जो स्टूडेंट्स ए लेवल के प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, दे टेंड टू परफॉर्म much better in these medical universities and engineering universities. So A levels is a good opportunity. It's a lifelong asset आपका एक बन जाता है, जो आपके लिए एक springboard भी है to go anywhere, whether locally. World is turning into a global village. तो आप कहीं भी आप चले जाएं.
exactly. तो आपको हेल्प करेगा. राइट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी, कमिंग फॉर क्लियरिंग सर्टेन थिंग्स जो कि हम डिस्कस करना चाहते थे. इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. हमने डिस्कस किया होम ब्रिज विद अखुवत, जिसमें ये 200 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रहे हैं. उसके साथ साथ इनका जो रेगुलर प्रोग्राम है उसमें आप कहीं से भी बाकी रेगुलर इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले में इंतहाई कम पैसों के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करके उसी लेवल की तालीम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आप हासिल कर सकते हैं. इसी पे हम बात कर रहे थे. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. आप देखते रहिए एक्सप्रेसो.